मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू पहाड़ी इलेक्ट्रीशियन टी सी जे रजे दोस्तों आज हम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन आठ सौ उनहत्तर कोड का पेपर सॉल्व करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है टॉपिंग इन ए सी मिकल इन इंक्रीज विच क्वान्टिटी तो इसका राइट आंसर होगा बी कंडक्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल ऑफ डोनर एटम इज जरिमेनियम सिलिकॉन बोथ ए एंड बी या एंटी मनी तो इसका राइट आंसर है डी एंटी मनी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजोरिटी केयर इन द अमीटर ऑफ ए पी एम ट्रांजिस्टर्स आर तो उसका राइट right आंसर है होल्स ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वेन ए जंक्शन डायोड इज रिवर्स वाइस देन द डायोड एक्ट लाइक किस की तरह एक्ट करेगा डायोड ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियन डायोड तो इसका पोटेंशियल वेरियर जर्मेनियम के लिए होता है जीरो पॉइंट थ्री वोल्टेज तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एन इलेक्ट्रिकल फिलामेंट वल्व कैन बी वर्क फ्रॉम ए सी सप्लाई डी स्प्लाई वी आर बैटरी सप्लाई ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो डी नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है थर्मल इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉ टेस्टिंग अप्लाइंसिस दाटेज ऑफ टेस्ट लैंप शुड बी कितना होता है हाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर कौन है कॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटीरियल पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैंप बैरिज एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज इट विल क्या होगा लैंप इंक्रीज हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस ऑन द पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू किसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है रजिस्टेंस के कारण डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ ए सी जनरेटर इज क्या नाम है ए सी जनरेटर का और नाम अल्टरनेटर सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल पाँच सौ वाट सेकेंड वन वाट आवर वन किलो वाट आवर या नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कनेक्टर ड्यू टू विच इट पास करंट इज कॉल्ड क्या लगा वो गुणधर्न जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है कहलाता है विद राइज टेम्परेचर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल क्यों इनक्रीज ये होगा ए एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज डी ऑप्शन गलवेनोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्किट ए तेती ओम रजिस्टर कैरी ए करंट ऑफ टू एम पी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर सिक्सटी सिक्स वोल्टेज इसमें फार्मूला लगेगा आपका ओम सला वी इजकल टू आई आर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द फिलेमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ़ नाइक्रोम नेक्स्ट क्वेश्चन द रजिस्टेंस ऑफ सौ वाट दो सौ वो लैंप आर चार सौ ओम इसमें भी फार्मूला लगेगा पावर है पी इक्वल टू बी आई ये फार्मूला लगेगा इसके ऊपर तो इसका राइट आंसर आएगा फोर हंड्रेड टू पावर माने सिक्स ओम सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्किंग अक्रोवेनिक लोड इज स्विचड ऑफ बिकॉज ऑफ द सर्किट हैज़ हाई क्यों हाई जब किसी बार को स्विच ऑफ किया जाता है तो स्पार्किंग उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में होता है उच्च क्या होता है कैपेसिटेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज टू पॉइंट एट दस रेस्ट पर माइनस सिक्स ओम सेंटीमीटर सी ऑप्शन मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ पावर पावर की एसआई SI यूनिट के वाट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर इन सिंगल फेस सप्लाई सी अंटू टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट पावर फैक्टर कॉस फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइडल वोल्टेज सोर्स शुड हैव ए जीरो सोर्स रेजिस्टेंस पारे वोल्टेज सोर्सेज बी टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड सोर्स ई एम जो टर्मिनल वोल्टेज होती है ना दोनों साइड वो ई एम एफ से क्या होती है कम होती है और कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव एंड ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्टेज सोर्स आइडल वोल्टेज सोर्स का कितना होता है जीरो ओम नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ पे भी डिपेंड करता है नेचर पे भी और डायमीटर पे भी तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायर ऑफ रजिस्टेंस आर हैज इट्स लेंथ एंड एक्स सेक्शन बोथ डबल्ड इट्स रजिस्टेंस विल बिकम किसी प्रतुत के तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट दोनों दोनों कर दिया जाता है उसका प्रतुत्त हो जाएगा आर आर ही रहेगा वेरिएबल रजिस्टर आर वायर बॉन्ड रजिस्टर ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉट रजिस्टर ऑफ ट्रल लैम्प इज अबाउट टेन टाइम द कोल्ड रजिस्टेंस अकॉर्डिंगली कोल्ड रजिस्टर ऑफ सौ वाट दो सौ वोल्ड लैम्प विल वी तो फार्मूला ये लगेगा इसके ऊपर पी इजल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर तो इसको काट कूट के आंसर ये आएगा चालीस ओ डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंगज ए नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट तो इसका राइट आंसर है सी सिल्वर नेक्स्ट क्वेश्चन बिच कॉपर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लिस्ट रजिस्टिविटी सबसे कम रजिस्टिविटी होती है किसकी होती है सबसे कम रजिस्टिविटी कॉपर की नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इलेक्ट्रिकल वॉल वॉश हंड्रेड वाट दो सौ वोल्ट आर फोर्ट इन सीज एंड द कॉम्बिनेशन इज सप्लाई शो वोट द पावर कंजम्पन ईच वॉल्व इज फार्मूला ये लगेगा पी इज तो इसका राइट आंसर आएगा डी सिक्स पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकली लार्जन इन साइज कौन सा होता है सी एक किलो ओम एक द यूनिट ऑफ कनेक्टिविटी इज महू परसेंटी मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ हंड्रेड बार्ट विल कंज्यूम वन यूनिट ऑफ एनर्जी इन टेन आवर में कंज्यूम करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेट्स ऑफ लेड बैटरी आर मेड ऑफ कास्ट एनिमोनियल लेड एल नेक्स्ट क्वेश्चन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग इज वोल्टेज ड्रॉप ग्रेविटी ऑफ एसिड इंक्रीज़ इसका डी और बी में लग रहा है भाई तो इसका आंसर की मैं या ऐसे ग्रेविटी ऑफ एसिड इंक्रीज़ बता रहा है और नेट पे वोल्टेज ड्रॉप भी बता रहा है तो इस क्वेश्चन को भाई देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी कैन बी असेंड बाई

द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी तो ये डायमेंशनल है द यूनिट ऑफ पेटिबिलिटी तो उसका राइट आंसर हैनरी परमीटर बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मटीरियल बिच अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज लेक्टेंस ए इन द लेफ्ट हैंड रूल थम ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट मैगनेट आर नॉट यूज इन ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरो मैग्नेटिक मटीरियल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरो मैग्नेटिक मटीरियल इसका राइट आंसर है बी निकल नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इंडली सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन लॉस लिस्ट डिपेंड ऑन परिवेशी तापमान पर सी ऑप्शन मटेरियल आर यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट डी द यूनिट ऑफ टेंटिविटी बेबर पर स्क्वेयर मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एकर एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेस बाई नब्बे डिग्री दिनिम नेक्स्ट द पीक फैक्टर ऑफ बेबीज मैक्सिम वैल्यू वाट आर रूट मीन स्क् वेल्यू ए ऑप्शन The power factor of series resonance circuit is unity. E power factor of magnetic component of transformer is zero. Next question is, The heat produced in an electric heater is attributed to 2 power. Next question The torque of a single phase induction motor at synchronous speed is negative. Next question The commonly used for phase sequence is CRYV. Next question is, द ट्रांसमिशन लाइन बिच फीड डिफरेंट सबस्टेश रिप्रेजेंट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फ्राम जनरेटिंग स्टेशन इज कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ट्रांसमिशन लाइन स्टेप अपन आर इंस्टॉल नियर जनरटिंग स्टेशन ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पावर कैन भी ट्रांसमिटेड ओवरहेड सिस्टम से भी होती है और अंडरग्राउंड सिस्टम से भी होती है तो इसका सी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था अंडरग्राउंड सिस्टम सिस्टम कैन नाट बी ऑपरेट अब तो so, इसका राइट आंसर है बी सिक्सटी सिक्स के बी नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवास ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ इन लाइन इम्पिडेंस पावर लॉस विल बी लेस तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन टाइप इंसुलेटर कैन बी यूज फॉर सपोर्टिंग ट्रांसमिशन कनेक्टर अप टू थर्टी थ्री के बी सी ऑप्शन एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल वोल्टेज एट कंज्यूमर्स एंड शुड बी मेंटेन विद इन सी ऑप्शन प्लस परसेंट या माइनस सिक्स परसेंट हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन पावर लॉस ऑन हाई लाइन ड्यू टू कोरोना इज नोन एज कोरोना पावर लॉस नेक्स्ट क्वेश्चन विच सपोर्ट फॉर ओवर हेड ट्रांसमिशन हैज द लिस्ट लाइफ तो इसका राइट राइट आंसर है वुडन पोल्स ए नेक्स्ट क्वेश्चन द कंडक्टर यूज इन हाई टेंशन ओवर हेड लाइन आर सी सी भी हो सकता है वाई और बी भी क्योंकि जो कंडक्टर ट्रांसमिशन या हाई टेंशन लाइन में होते हैं वो सॉलिड भी तो होना जरूरी है अगर सॉलिड नहीं होंगे तो टूटने का डर लगा रहेगा स्टैंडर्ड तो होते ही हैं तो इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो ऐसे इंटरनेट पे तो स्टैंडर्ड दिए इसका राइट right आंसर पर मेरे हिसाब से इसका सी होगा सॉलिड भी होगा और स्टैंडर्ड भी होगा क्योंकि कंडक्टर सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है तो इस क्वेश्चन को देख लेना आप यार नेक्स्ट क्वेश्चन है के पास स्विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड केबल अंगेंस्ट मकैनिकल इंजरी तो उसके बाद ए आर मॉरिंग द इंसुलेटिंग मटीरियल कॉमनली यूज इन केबल इज पेपर द साइज ऑफ कनेक्ट यूज इन पावर केबल डिपेंड्स अपॉन करंट टू वी कैरी सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द केमिकल यूज इन ब्रीदर इज सिल्का जैल वी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द फुलॉर्म ऑफ एल डी आर लाइट डिपेंडर रजिस्टर सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ए ऑप्शन ए सिंक्रोनस मशीन कैन ऑपरेट मोटर पे करती है और जनरेटर पे की तरह भी होती है तो उसका सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्मीचर ऑफ एन अल्टरनेटर आर्मीचर जो भाई एक स्टेशनरी मेंबर है कंसिस्ट ऑफ वाइंडिंग इन टू विच करंट इज इंट्रोड्यूस इंड्यूस तो इसका ऐसे तो ए और बी डी में लग रहा है पर इसका राइट आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंस्ट्रक्शन सिंग्रोसो मोटर इज सिमिलर टू ए अल्टरनेटर सी ऑप्शन स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द रोटर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड टेट ए ऑप्शन कॉपर लॉस इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर अपीयर एज हीट Next question: The speed of a slippering induction motor cannot be controlled by pole changing control. Which motor would be selected for vacuum cleaner? Universal motor. Which motor is generally used in tape recorder? Stereo motor B option. Phase synchronous motor R self-starting motor. We do not need DC station operate at constant speed. This correct answer is all of these. Combination pliers are not used for hammering. नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन एप्लीकेशन ऑफ एस सी आर सिलीकॉन करंट का क्या काम होता है द स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर ए एस सी आर स्टैंड फॉर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टीफायर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डी सीट मोटर इज यूज फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड सी ऑप्शन स्टार्टर इज यूज फॉर कंट्रोलिंग परपज़ के लिए यूज किए जाते हैं एंड ट्रांसफार्मर इज यूज इन ए सी सप्लाई ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन है बट टाइप ऑफ लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग द एलोमियमंडक्टर एरा नंबर सेवन सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है लैब आइनिंग इज यूज फॉर डी सी मोटर डी ऑल स्टार्टर आर यूज फॉर ए सी मोटर डी सी मोटर ए सी मोटर में यूज होते हैं डी बी ऑप्शन इन हाउस ऑल लैम्प एंड फैन आर कनेक्टेड इन पैलर रोटरी कन्वर्टर कैन बी यूज टू कन्वर्ट डी सी टू ए सी ए सी टू डी सी तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी विच एलिमेंट इज यूज एज इम्प्योरिटी टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमी कनेक्टर एन टाइप सेमी कनेक्टर कौन सी इम्प्योरिटी एड की जाती है गैलीम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डायोड यूज इन रेडियो रिसीवर इसका राइट आंसर पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सिंक्रोनस स्पीड एस इज इक्वल टू स्लिप देन एक्चुअल स्पीड इज इसका राइट आंसर है सी वन माइनस एन एस इंटू स्पीड सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पी एनजे इज फॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अंतिम क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल का ए पाँच सौ पचवंजा आई सी इज यूज टू प्रोड्यूस ए इसका राइट आंसर होगा क्लॉक तो दोस्तों ये थे आपके वन ट्वेंटी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल साइड से तो कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करके बता देना और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर देना थैंक यू एंड हैव है